अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल वाजिद। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। उससे पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले मैट्रिक्स की आप देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम, देन सेकंड मैट्रिक्स की आप देखेंगे नंबर ऑफ रॉस। यानी कि अगर इसकी नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रॉस के बराबर होंगी तो ही मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, वरना नहीं। जैसे कि नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं, एक नंबर ऑफ कॉलम ये आ गया, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम ये आ गया। देन नंबर ऑफ रॉस क्या है, एक नंबर ऑफ रॉ ये आ गई, एक नंबर ऑफ रॉ ये आ गई। यानी कि इसके पास एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, और इसके बाद रॉ कितनी है, एक ये और दूसरी ये। यानी कि दोनों के रॉज और कॉलम इक्वल हैं तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है और यही बात चेक करनी है कि इसके कॉलम्स और इसके रॉज क्या इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं देन हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे दोनों के रॉज और कॉलम 2-2 हैं तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे सॉल्यूशन याद रखा जा सकता है इजीली तरीके से, कि आपको मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है। तो उसके लिए आप सबसे पहले ये एरो ड्रॉ कर लीजिएगा, पेंसिल से आप पेपर में भी ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। तो आपने ये एरो ड्रॉ करना है, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। अब आपने करना यह है मल्टीप्लिकेशन शुरू करनी है, और उसमें ये करना है सबसे पहले आप पहले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इधर के पहले नंबर से, यानी कि 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से। तो आप लिख दें 1 मल्टीप्लाई बाय 5, देन उसके बाद ये एरो बता रहा है कि 1 के बाद 3 के पास चले जाओ। तो आपने कहाँ आना है, 1 के बाद 3 के पास, और ये एरो बता रहा है कि 5 के बाद कहाँ आ जाओ, इधर नीचे वाले नंबर, और यहाँ पे भी क्या मौजूद है, 3। तो अब आप क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इन दोनों के बीच में प्लस आएगा। प्लस आने की वजह यह है क्योंकि अभी तक हमने एक ही कॉलम पे काम चल रहा है यहाँ, और यहाँ एक ही रॉ के ऊपर काम चल रहा है, यानी कि अभी हमने ना रॉ बदली है ना कॉलम। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई प्लस नहीं, कोई गैप नहीं आएगा, बीच में खाली प्लस आएगा। देन उसके बाद हम मूव कर रहे हैं, यहाँ पे गैप दे रहे हैं और कॉलम चेंज कर रहे हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम कॉलम चेंज, तो यानी कि ये कॉलम छोड़ के हम नेक्स्ट कॉलम के ऊपर जा रहे हैं। तो इसका मतलब बीच में गैप आएगा, तो मैंने यहाँ पे गैप छोड़ना है। अब मुझे रॉ इसी पे रहना है, पहले पूरी एक रॉ दोनों कॉलम्स के साथ सॉल्व होगी, फिर दूसरी रॉ दोनों कॉलम्स के साथ सॉल्व होगी। अब हम आ गए पहली रॉ पे दोबारा, और कॉलम हमने क्या कर लिया, चेंज। तो 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। देन उसके बाद क्योंकि अभी उसी लाइन में है इधर और उसी कॉलम में है इधर, तो हम क्या लगाएंगे, बीच में प्लस। देन ये एरो बता रहा है 1 के बाद 3 के पास जाओ, तो आपने यहाँ लिखना है 3। देन उसके बाद ये बता रहा है 2 के बाद कहाँ जाओ, 1 के पास, तो आपने यहाँ लगाना है 1। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ गया आपके पास, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा जो मैट्रिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद अब आपने क्या करना है, क्योंकि अब आप लाइन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे रॉ चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, रॉ चेंज करेंगे, इस ऊपर वाली रॉ को छोड़ के नीचे वाली रॉ पे आ जाएंगे। जब आप नीचे वाली रॉ के ऊपर आएंगे तो आप यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं 2 है आपके पास, और यहाँ अगेन 5 है, तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5। देन उसके बाद प्लस, क्योंकि आप एक ही लाइन के अंदर है, 1 मल्टीप्लाई बाय, एरो क्या बोल रहा है, नीचे चले जाओ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपने लिखना है 1 मल्टीप्लाई बाय 3। देन उसके बाद आपने क्या करनी है, लाइन चेंज करनी है, सॉरी कॉलम चेंज करना है यहाँ पे, और आप रॉ सेम यूज कर रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, बीच में गैप देंगे, क्योंकि आपने कॉलम छोड़ के दूसरे कॉलम पे आए, तो यहाँ से भी एक कॉलम छोड़ के दूसरे कॉलम पे आएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देन उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ से आप 1 पे आ गए और यहाँ से आप नीचे आ गए, तो यहाँ भी 1 मौजूद है, तो आपने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आपको एक ट्रिक याद रखनी है जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने अभी तक जो काम करा है सही करा है या गलत। इसको वेरीफाई करने का तरीका क्या है, आपके जो सेकंड नंबर है सही है वो हमेशा सेम होंगे, यानी कि ये सेकंड नंबर 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ 1, यहाँ 1। इस चीज़ से आप पता लगा सकते हैं कि आपने सही कैलकुलेशन करी अभी तक। एक और चीज़, अब जो बाकी नंबर है वो आमने सामने सेम होंगे, यानी 1 1, 3 3, 2 2, और यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1। अगर तो ये सारे नंबर इसी सीक्वेंस में इसी तरह सेम लिखे हुए हैं, यानी कि सेकंड नंबर ऊपर वाले से मैच हो रहे हो और पहले नंबर जो है वो क्या हो रहे हैं, अपोजिटली क्या कर रहे हो, मैच कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करी, आपने हाथ के हाथ अपना सवाल भी चेक कर लिया कि आपने सही सॉल्व करा है, यानी कि यहाँ तक का सारा सोल्यूशन आपका सही है। अब आप क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, सिंपली मल्टीप्लीकेशन है आपकी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, देन प्लस 3 3 9, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 5 10, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका 3 आ जाएगा,
देन वन मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे तो टू आ जाएगा, और थ्री मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे तो थ्री आ जाएगा, देन उसके बाद टू टू ज़ा फोर, देन उसके बाद वन मल्टीप्लाई बाय वन आपके पास आ जाएगा वन। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे, फाइव प्लस नाइन यहाँ आ जाएगा आपके पास फोर्टीन, देन उसके बाद यहाँ टू प्लस थ्री आपके पास आ जाएगा फाइव, देन उसके बाद आपके पास यहाँ टेन प्लस थ्री आ जाएगा थर्टीन, और देन उसके बाद आपके पास फोर प्लस वन यहाँ आ जाएगा फाइव। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे आप दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो मैथ से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा।